तो भाई कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ग्रैंड न्यू ग्रैंड सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और आज भी चलाने वाले हैं वही मौसी नागिन, वही खतरनाक वाले स्नाइपर। खैर जो भी हो, मौसी नागिन थोड़ा आगे जाके मिलेगी, फिलहाल हमेशा की तरह यहाँ पार्क में है और हद से ज्यादा लड़ाई होगी यहाँ पे लगभग हमेशा की तरह। और यार वो जो स्नाइपर चलाऊंगा मैं, उसकी आप टाइमिंग देखना, अलग लेवल पे, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। और यार अपने मुंह के सामने गन होना और उसके बाद भी गन न उठा पाना, अलग लेवल का दर्द है। ये क्या कूदा है नीचे? हेलो, मैं भी डाल दूंगा। और नीचे कम से कम 5-10 बंदे एक साथ लड़ रहे होते हैं, तो मैं भी जाता हूं। इन्हीं डब्बों के आगे दो बंदे और हैं। के अंदर है। और यार ये पावर कुछ भी कहो, बहुत कमाल की है। बंदे कहाँ पे बैठे पड़े हैं और क्या वो रस करने वाले हैं, सब कुछ साफ पता चल जाता है। खतरनाक है ये पावर। अब ये तो डाल दी इनमें से एक बंदे की पेटी, लेकिन देखो आगे पे तीन और बंदे बैठे पड़े हैं। गन ना हो बस तीनों पे। कितनी भाई है? ये भी आ गया। नाइस। और फेंक एक और है। इधर आ, यहाँ पे हम भी लोकेटेड हैं। हम भी लोकेटेड हैं। और देखते देखते यहाँ पे मेरे 9 किलो चुके हैं, लेकिन देखो एक और बंदे का मार कर रहा है। अब देखते हैं चल क्या रहा है यहाँ। ते नॉक दे मार से। अबे आ गया ऊपर से। नहीं आधा तो भाग रहा। और देखो ये लोग कोने पे छुप के बिल्कुल नॉक पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे हम पे ये पावर पुअर ना होती तो ये जिसकी किल थी उसी को मिल जाती और मेरे 10 किल ना होते अभी। लेकिन क्योंकि यार अपने वो गोले से सब कुछ साफ दिखाई देता है, तो एक किल और मिल गई मेरे को। मतलब यार जब गोला नहीं था हम पे, कई सारी किल मैंने ऐसी गवा दी होंगी। खैर जो भी हो, यहाँ पे पता चलता है कि ऊपर की ओर भी कोई है, तो करना क्या था यार, उसको पकड़ने के लिए मैं भागते हुए जाता हूँ। और बढ़िया बात ये होती है कि निहत्ता है वो बेचारा। और यहाँ पे मेरे टीममेट लोग इस बेचारे अकेले निहत्ते बंदे पे अत्याचार कर रहे होते कि हैंड्स अप, अरे कद्दू का हैंड्स अप। वो हैंड्स अप करके बिल्कुल मुट्ठी उठाता है और मुंह पे मार देता है, नॉक कर दिया सीधा हमारे भाई को। लेकिन उसके बाद मैंने बोला भैया ऐसे नहीं चलेगा, पेटी डालनी पड़ेगी। हाँ मस्ती मजाक बहुत हो गया, पेटी डालो उसकी। खैर उसकी पेटी बूटी डालता हूँ मैं और यहाँ पे आ जाता हूँ और बॉटों की पिटाई करता हूँ। लेकिन देखो बॉट यहाँ पे अकेले नहीं थे और मैं यहाँ पे अकेला नहीं था जो बॉटों की पिटाई कर रहा है। हाँ कुछ और लोग बॉट पकड़ रहे हैं इधर, भाग रहे थे। भाई कैसे स्प्रे दिया उसने मुझे? मेरे पे है। और यहाँ पे हमारे भाई खाली गन को कटाकट करके परेशान कर देते हैं। ठीक है भैया नहीं है गोली, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे भी कम है, वैसे मैं दे सकता था लेकिन क्योंकि मैं हूँ लालची तो मैं बोलता यार गोली मेरे पास ही सही लग रही है। खैर जो भी हो, यहाँ से भगते हुए ओपन पे एक बंदा आया था, उसकी हमने सीधा पेटी डाल दी। लेकिन देखो उसका टीममेट यहीं बगल पे होता है, तो पहले तो मैं पेटियाँ लूट रहा होता हूँ, बाद में पता चलता है कि बगल में इसका टीममेट और वो देखो उसने गोला फेंक दिया, तो पकड़ना होगा इसको भी अब। लुक हो रहा है, रिवील हो रहा है। हाँ फेंक दिया है।
और ये मेरे आंखों के सामने बाट की पेटी बनाना चाहता था, होने नहीं दिया, ऐसा किल चोरी कर दी। ये तो भाग गया। और यहां से इस पार्क से निकलते निकलते लगभग 15-16 किलो गए, लगभग क्या 15 किलो चुके हैं। तो हाँ, यहाँ पे ये बंदा यार पीछे कोने पे छुप के बॉट की किल चोरी करना चाहता था। वैसे किल चोरी मैंने की, लेकिन यार आंखों के सामने का बॉट पेलना चाहता था ये। मैंने बोला ये बंदा गया कद्दू लेने, पहले बॉट की पेटी बनाओ। सीधा मैं बॉट को पकड़ता हूँ, पेटी डालता हूँ उसकी और आगे बढ़ जाता हूँ। और इसके बाद टाइम आ चुका था दूसरे वाली जगह पे जाने का, क्योंकि देखो ज्यादातर यहीं पे बंदे मिलते हैं, पहले वाला पार्क और दूसरा वाला पार्क। अब कुछ लोग स्पॉन आइलैंड पहुंचे पड़े होंगे तो हैरानी नहीं होगी मुझे। वैसे आई एम द हंटर। हाँ जी, क्या बोल रहे? और देखो ये लोग और सांप लोग को लगभग एक जगह पे इनकी तुलना करी जा सकती है। ये लोग भी ऊपर बैठे रहते हैं और दिखते नहीं है, सांप लोग बस लेटे रहते हैं और दिखते नहीं है। खैर जो भी हो, यहाँ पे देखो इनको पकड़ना कैसे है मैं सोच रहा होता हूँ। क्या मेरे को उड़ के ऊपर जाना चाहिए? उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर यही इंतजार करता हूँ। और इंतजार करते करते ऊपर की जगह कोई नीचे से आ जाता है। कोई नीचे से भी आ गया, कोई आ रहा है। कैसे भाई? वो भी टाइम पे 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, 9, मेरा 20 सेकंड है। हाँ भाई, 4, हेलो जी भाई, 3, बंदे को नीचे कूदने 2, के लिए बोल दो यार मेरे। और हमारे भाई यहाँ पे इस नौक बंदे को बोल रहे होते कि यार क्या कर रहे हो, कैसे हो तुम? अपने जो टीममेट ऊपर चढ़ के कैंप करके बैठा है उसे नीचे आने बोलो। और देखो पहली बार ऐसा हुआ कि यार नौक बंदे ने बात सुन ली। वो बोला होगा अपने टीममेट को कि भैया नीचे आओ, जरा इनकी पेटी डालो। वो बंदा नीचे कूदता है, पूरा नीचे नहीं कूदा लेकिन आधा नीचे आया, और उसके बाद हमारे भाई को सीधा नोक दे देता है। थोड़ा देर और 2 सेकंड और, दो भी नहीं लगभग 1.5 सेकंड और मैं लेट कर देता हूँ, हमारे भाई की पेटी डल जाती। अब मैं रिवाइव वगैरह देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भैया चलो गाड़ी पे चलते हैं, लेकिन हमारे भाई उड़ के वहां ऊपर जाते हैं लूटने के लिए। और देखो क्या ही गड़बड़ होती है यहाँ। भाई मेरी रिवाइज दे दो प्लीज। और यही होता है जब आप चालाक बन के लूटबाजी करना चाहते हो। हमारे भाई ऊपर गए थे बिल्कुल उड़ के उसकी पेटी लूटने के लिए, भैया ने लूट भी ना उठाई और यहाँ पे आके नौक हो गए। और देखो अगर गाड़ी पे ना होते हम, तो मेरे ख्याल से यार अगर हम भग के आते यहाँ पे तो पेटी डल जाती, क्योंकि भैया को पहले कई बार नौक कर दिया गया है। खैर जो भी हो, इसी के साथ यहाँ पे हम धड़ पर रिवाइव देते हैं और टाइम यहीं पे बर्बाद हो जाता है, मतलब रिवाइव खेलते खेलते टाइम निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ काफी टाइम बाद, यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया रोचक की पहाड़ी पे। काफी टाइम नहीं, वैसे 1-2 दिन हुआ है, लेकिन दुख होता है यार पहाड़ी खाली रहती है आजकल, रोचक खाली रहता है, दुख बहुत होता है। और इस बार भी खाली था, लेकिन देखो एक जगह जहाँ पे अभी भी बंदे आ रहे हैं और दबा के बंदे आ रहे हैं, वो है ये अपार्टमेंट, और इस बार भी बंदे आएंगे। तो हम लोग यहीं पे गाड़ी घुमा रहे होते हैं, पहले चक्कर में हमको कद्दू कोई नहीं दिखता, लेकिन बंदे होंगे यहाँ पे जरूर। देखो कहाँ पे होते हैं ये बंदे। मैं तो स्मोक ही गया। कार चल दी गई, कार बोला गया, लेवल 3 का नहीं रहा। और यहां पे यार मेरी हड़बड़ी के चलते नौ को जाना था मैंने। ओ गिली सूट। हेलो भाई, वहां पे कोई है? हेलो जी, हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई? और यहां पे कंजूसी के कारण मैं फर्स्ट एड नहीं लगाता, एबिलिटी से हील करता हूँ। नहीं भाई, मैं उसकी टीममेट हूँ, उसका टीममेट हूँ। हाँ भाई, मैं वही हूँ।
नहीं मरा भाई, अभी नहीं मरा। नॉक हुआ है। अरे ओ भाई क्यों बोलते हो हर कोई आके। अब यहाँ पे चार बंदे आते हैं और पूरी चौड़ में नेड करते हैं। अब देखो इनके नेड से मेरे ख्याल से इसने अपने दो टीममेट नॉक कर दिए। दो में से एक की मैंने पूरी पेटी डाल दी और उसके बाद मुझे बिजली का झटका लग जाता। ये इनकी एबिलिटी होती है, झटके की वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने एक और बंदा नॉक कर दिया था इनका, तो बच गया मैं, रिवाइव हो गया। और अब कोशिश कर रहा हूँ इनकी पेटी बनाने की, देखते हैं कैसे बनानी है इनकी पेटी यहाँ पर। अरे अरे सच में मैं हूँ भाई, मेरा है भाई, कहाँ तू? उसी का है भाई वो। कैसा लगा भाई, मजा आया भाई? बढ़िया खेलता है ना भाई ये भाई, लेकिन मुझे कर मरवा दिया। दिया इसने। आप भी इसी से मरे क्या? और इन चार बंदों ने जितनी तेजी पे रस किया था उससे डबल तेजी से ये लोग भी भागते हैं। हाँ गड़बड़ हो गई थी, मैं नॉक हो गया था लेकिन बच गया जैसे तैसे। अब हमारे भाई जिनकी पेटी बन चुकी है वो ऑल पे जाके फुल बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे यार मेरी शिकायत करी जा रही होती है कि मैंने मरने दिया। अरे भैया किसने बोला था कि वहां ऊपर चढ़ो पार्क के, नॉक हो जाओ फिर हील मत करो। भाई झूठ मत बोलो भाई, नहीं देखते हो भाई आप हर वीडियो? देख देख मैं वो फेंकूंगा, स्मोक दिखा रहा है सच पर में भाई। बोल रहा है मेरा और यहाँ पे हमारे भाई के साथ भी कुछ और एक ग्लिच चल रहा होता है। भैया जी को स्मोक दिखाई देता है उनके हाथ में, लेकिन मेरे को यार वही गोला दिखाई देता है। और देखो ये स्मोक वाले ग्लिच की वजह से हमारे भाई चलती गाड़ी से भी ये गोला फेंक सकते थे, लेकिन देखो हाल फिलहाल में एक अपडेट आया था तो वो ग्लिच सही हो चुका है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ जब तक था तब तक खूब बिल्कुल गाड़ी से चलते हुए हमने गोले फेंके और बंदूक का पता किया। खैर यहाँ पे एक आखिरी इकलौता बंदा बाकी होता है और देखो जाने के लिए ज्यादा जगह थी नहीं, मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के देख लिया जाए, यहीं से दिख जाएगा वो बंदा। आप बताओ कहाँ डाला है? हाँ भाई मोसेन नेगेंट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे भाई डालने की बात कर रहे होते लेकिन किस चीज की बात हो रही है मैं समझ ना पा रहा, मेरे को याद ना आ रहा है, न जाने क्या ही बोल रहे थे। मेरे ख्याल से वीडियो डालने की बात चल रही थी। खैर जो भी हो यहाँ पे मैं ऐसे ही भटक रहा होता हूँ, गाड़ी हमने सेव कर दिया और यहाँ पे अब मैं MK14 का स्प्रे दिखाऊंगा। अबे दिखाई जरा मोशन, मैं चलाऊं जरा एक। ठीक है भाई उसमें आएगी पक्का, देखना भाई आवाज मत कर और कमेंट कर देना भाई है। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। हाँ भैया कुछ और भी करना हो तो अभी बता दो, कहीं घर के कागजात तो नहीं देने आपको? नहीं यहीं पे बता दो। ये देखो भाई स्प्रे देख रहे हो भाई, MK का स्प्रे देखो भाई, दिखाओ जरा। ओए स्प्रे दिखाओ MK का स्प्रे दिखाओ लड़कों को। ये देखो भाई, ओहो हो। अब सपरे गया कद्दू लेने। यहाँ पे आप अब टाइमिंग देखो हमारे भाई ऑल पे क्या बोलते हैं और यहाँ गेम में मैं क्या करता हूँ। देखो स्नाइपर चलाएगा भाई। अब लास्ट किल जरूर देखना भाई, स्नाइपर से हेडशॉट मारेगा, हेडशॉट पट से। क्या ये देखो पट से, कैसे लगा भाई लोग? और यार इससे बढ़िया टाइमिंग और क्या हो सकती है। हमारे भाई वहां ऑल वालों को बोल रहे होते कि भैया अभी मत जाओ, आखिरी का हेडशॉट देख के जाना, मैं बिल्कुल सर पे गोली पे लूंगा। उतने में क्या होता है मेरे को बंदा दिख जाता है, मैं बिल्कुल दो बार ऐसे कटाकट पीक बाजी करता हूँ और पहली गोली ही गलती से हेडशॉट लग जाती है। मजा आ गया, मतलब ये टाइमिंग देख के बिल्कुल फीलिंग्स आ गई थी दिल पे।
दिल पे आती है क्या फिल्म? खैर जो भी इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतने, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये वाली सनाई पर आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मेरे को यार खतरनाक लगी बिल्कुल, मतलब कार 98 भी क्लासिक सनाई पर है और ये भी क्लासिक है बिल्कुल। दोनों की आवाज़ खतरनाक है, दोनों में से किसकी ज़्यादा आवाज़ आपको बढ़िया लगती है मेरे को बताना जरूर। खैर कल मिलते हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले, सस्ती कमेंट्री और भी गलत सीन के लिए। तो कल मिलते हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक लाइक पहला मत भूलना। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। लास्ट किल जरूर देखना भाई, स्नाइपर से हेडशॉट मारेगा, हेडशॉट पट से। क्या ये देखो पट से कैसे लगा भाई लोग। I feel paralyzed.